गाइज तो फाइनली OMG 2 देखकर आ चुका हूँ। गाइज गाइज ऑनेस्टली बताऊँ तो काफी मुश्किल था ये डिसाइड करना कि गदर 2 देखने चला जाए या OMG 2 देखने चला जाए। दोनों ही फिल्में काफी लाजवाब। एंड ऑनेस्टली बताऊँ गदर 2 देखने का मन ज्यादा कर रहा था क्योंकि पूरा थिएटर हाउसफुल चल रहा है, मतलब कहीं भी सीट्स मिल ही नहीं रहे मुझे। मतलब ये यकीन नहीं आ रहा मेरा, इतना छोटे शहर में मॉर्निंग का सुबह 8 बजे का शो हाउसफुल जा रहा है। एंड जब थिएटर में मैं गया भी तो गदर 2 का ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। उसका रीज़न भी है गाइस क्योंकि सनी देओल के फैन एक अलग फैन है, अक्षय कुमार के एक अलग फैन है, ठीक है। बट गदर 2 की फैन फॉलोइंग भी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, बट OMG 2 की फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है। अच्छी फिल्म है OMG 2, बट इतनी बड़ी फिल्म है कि गदर 2 का मुकाबला कर सके। गदर एक बहुत बड़ी फिल्म थी, तो गदर के भी फैंस हैं, सनी देओल के भी फैंस हैं, तो इतने सारे फैंस मिलकर इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। भाई लिटरली पूरा थिएटर हाउसफुल जा रहा है गदर के लिए। बट एंड एक जगह अक्षय कुमार तो गाना भी गा रहे होते हैं गदर 2 का, घर आजा परदेसी, मतलब फिल्म एक साथ साथ फिल्म लगी है, गदर 2 उसका गाना भी गा रहे हैं अक्षय कुमार। इसके बावजूद भी मैंने OMG 2 देखना डिसाइड किया क्योंकि गदर 2 एक एक्शन वाली फिल्म है, OMG 2 एक मैसेज वाली फिल्म है। ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा थी OMG 2 में भी, ऐसा नहीं है, काफ़ी भर भर की ऑडियंस थी, मतलब ऑलमोस्ट थिएटर हाउसफुल था मेरा। कैसे अगर आपको OMG 2 के बारे में बताऊँ ना तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। जो सबसे प्लस पॉइंट इस फिल्म का वो है इसका स्क्रीन प्ले, मतलब कहीं भी आपको बोर फील नहीं होता। 2.5 आवर्स की ये फिल्म है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले इसका। मतलब यार देखो अक्षय कुमार की एंट्री ऑलमोस्ट इंटरवल के आसपास होती है, मतलब एंट्री उनकी, मतलब मेन रोल उनका नहीं है अक्षय कुमार का फर्स्ट हाफ के अंदर। फर्स्ट हाफ के अंदर कोर्ट रूम ड्रामा है जो कि काफ़ी लाजवाब है यार, मतलब लोग तो तालियां बजा रहे थे एक एक सीन में, मतलब अक्षय कुमार की एंट्री पर तालियां आ रही थी हर एक सीन पर। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, अक्षय कुमार का जो एंट्री है उस पर तो ताली भर के बजी। गाइस मैंने आपको एक शॉट में बताया था कि OMG का प्लस पॉइंट है उसका कोर्ट रूम ड्रामा। इस फिल्म का भी कोर्ट रूम ड्रामा काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, मतलब लिटरली बहुत मज़ा आता है। मतलब इनके प्रॉपर इंगेजिंग फिल्म है यार, एक फिल्म से आप क्या ही डिजर्व करते हो अगर तुम इंगेज हो ताकि मैं पूरा इंगेज हो जाऊँ तुम्हारे फिल्म देखते देखते। लिटरली गाइज ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग है, आप पूरा इंगेज हो जाओगे इस फिल्म को देखते देखते। गाइज ओवरऑल तो मुझे ये फिल्म काफ़ी अच्छा लगा, जिस टॉपिक के ऊपर ये फिल्म बात करती है एंड जिस तरीके से बात करती है, जिस फनी वे में बात करती है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ बात करती है, एंड वो जो भगवान वाला एंगल है, काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिला मुझको ये फिल्म देखते देखते एंड बहुत अच्छा लगा फिल्म। बस गाइज ये था मेरा छोटा सा रिव्यू OMG 2, तो डेफिनेटली मिस मत करना, काफ़ी अच्छी है। एंड ओवरऑल गाइज मुझे तो फिल्म बहुत अच्छा लगा, आप मिस मत करना, जरूर जाके देखना। बहुत ही जल्दी गदर 2 के रिव्यू में।